हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपीपीडिया। आज हम एक और अभिषेक स्टेक की वीडियो आपके लिए लेके आए हैं, और जो टॉपिक हमने आज के लिए चूज किया है वो है इवॉल्विंग ई गवर्नेंस इन इंडिया। इस टॉपिक की महत्वता और भी ज्यादा बढ़ गई है गिवन दी करंट फेज ऑफ पैंडेमिक, जिसके अंदर गवर्नेंस सिस्टम आज की डेट में चल रहे हैं। कुछ ही लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम कर पा रही है, बहुत सारे लेवल्स पे काम रुका हुआ है, और इस वजह से मेंस के लिए आपका ये टॉपिक थोड़ा सा तैयार करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि आने वाले समय में अगर किसी भी तरह की गवर्नेंस की जरूरत पड़ेगी तो वो है ई गवर्नेंस। उसके हिसाब से जो रिमोट फंक्शनैलिटी आज की गवर्नेंस के लिए, आज की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमें चाहिए, वो हमें मिल पाएगा, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे एग्जेक्टिव हो। तीनों को एक पैंडेमिक के दौर के चलते हुए अगर ढंग से काम करना है तो ई गवर्नेंस उसके लिए एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है। तो मेंस के लेवल पे ये टॉपिक हमारे पास जीएस पेपर 2 इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस में है। फिर इसके जो डायमेंशंस हैं वो जीएस पेपर 3 में भी रिफ्लेक्ट होते हैं, जीएस पेपर 4 में भी रिफ्लेक्ट होते हैं। जीएस पेपर 3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हिसाब से, और जीएस पेपर 4 में जो ई गवर्नेंस है वो आज पार्ट एंड पार्सल ऑफ गुड गवर्नेंस बन चुका है। तो इस हिसाब से जो इवॉल्विंग ई गवर्नेंस इन इंडिया जो एक टॉपिक चुना गया है, वो बेसिकली इसी को मद्देनजर रखते हुए चुना गया है। तो दिस विल हेल्प यू इन योर मेंस आंसर राइटिंग, दिस विल हेल्प यू इन बिल्डिंग योर व्यू पॉइंट आल्सो। ठीक है, अब इसको लेके 21 अप्रैल को इंडियन एक्सप्रेस में भी एक आर्टिकल आया था, तो उसको भी हमने यूज किया है। जो इससे पहले के जो बेस टॉपिकल एस्पेक्ट्स हैं उसको भी यूज किया गया है विद रिस्पेक्ट टू ई गवर्नेंस। हम समझने की कोशिश करेंगे कि ई गवर्नेंस इनफैक्ट होता क्या है और इसके साथ रिलेटेड मुद्दे इंडिया में है क्या। तो आप अपने टाइम का ठीक से यूटिलाइज कर रहे होंगे, तो ये जो अभिषेक स्टेक की वीडियो है वो इसी ठीक यूटिलाइजेशन के डायरेक्शन में आपकी हेल्प करने के लिए बनाई जा रही। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो अभिषेक स्टेक की वीडियोस हैं तो इनके अंदर साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज और बाकी सारी चीजें भी अवेलेबल हैं, अगर आप चाहें तो उनका फायदा उठा सकते हैं। सो अमन्यू आईएएस की जो टेस्ट सीरीज है जिसके अंदर 30 टेस्ट है, जिसमें 16 सेक्शनल टेस्ट भी हैं आपके पास, हर सब्जेक्ट का इंडिविजुअली आप देख पाएंगे, और ये पूरी की पूरी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है। जब आप अपना टेस्ट कंप्लीट करके सबमिट करते हैं तो साथ के साथ आपके रिजल्ट आते हैं, और उन रिजल्ट का एनालिसिस भी आता है कि आप कहाँ से आपकी जो है मार्क्स कट रहे हैं, किस वजह से आप नंबर कम स्कोर कर पा रहे हैं, वो सारे एनालिसिस आपके साथ शेयर किया जाता है। तो अगर आप इसको सब्सक्राइब करना चाहते हैं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को, और ये एक एप्ट टाइम है बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली हमारा प्रीलिम्स डिले हो सकता है, और अगर डिले होता है तो भी और अगर नहीं होता है तो भी ये टाइम होता टेस्ट सीरीज को काम में लाने का है, तो आप इसको ठीक से यूटिलाइज कर पाएंगे। चलिए आज की वीडियो पे चलते हैं, अभिषेक स्टेक के अंदर इवॉल्विंग ई गवर्नेंस इन इंडिया। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है वो समझ लेते हैं। सो आज के डेट में वर्किंग रिमोटली इज द न्यू नॉर्मल, एंड इन दिस सिनेरियो इंफॉर्मेशन एम्पावरमेंट बिकम्स फंडामेंटल टू सक्सेसफुल डेमोक्रेसी। और जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है वो हमें एक बेसिक टूल देती है जिसके थ्रू लोग आपस में रह सकते हैं, सीख सकते हैं, काम कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलते हैं। ध्यान रहे, ये जो प्रेजेंटेशन मैं यूज कर रहा हूँ इसका भी डाउनलोडिंग लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में ही दे रखा है, तो आप वहीं से ले सकते हैं। तो आप बस टॉपिक को समझने में, उसको सुनने में ध्यान दीजिए। अब हमारे जो स्टेट के अंदर अलग अलग हमारे फंडामेंटल पिलर्स हैं, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी, इन तीनों को काम करने के लिए ई गवर्नेंस काम में लाया जा सकता है, यूजफुल है। आपने देखा होगा कि इवन हमारे सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस इश्यू की हैं कि किस तरह से हम जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अपने कोर्ट की हियरिंग्स कर सके, तो वो एक पॉजिटिव स्टेप है इसी डायरेक्शन में। बहुत सारी कंट्रीज में अब डेमोक्रेसी को भी वर्चुअल पार्लियामेंट के थ्रू चलाया जा रहा है, और जब तक लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग का जो प्रोसेस है वो ठीक से नहीं चल पाता था तो स्टेट की गवर्नेंस में भी इसको लेके इश्यू होता है। ठीक, तो इस वजह से एक ई लेजिस्लेचर के लिए अब सिस्टम तैयार होने शुरू हो गए हैं। वर्ल्ड लेवल पे अगर देखा जाए तो यूके, न्यूजीलैंड, इन कंट्रीज ने ऑलरेडी ई पार्लियामेंट्स या आप कह लीजिए ई लेजिस्लेचर्स का जो सिस्टम है वो शुरुआत कर दिया है, और इंडिया को भी इसी तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। आगे चलते हैं, वर्चुअल जुडिशरी। सो
सुप्रीम कोर्ट में भी अब रिसेंटली इनको, जैसे हमने बात की कि वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेस या वीडियो कॉन्फ्रेंसेस जो है उनके थ्रू जो ई कोर्ट्स हैं वो चलेंगी, तो इसको करने का तरीका जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बनाया है, तो उसको क्या क्या उन्होंने मापदंड दिए हैं इसको होल्ड करने के लिए, उनको जरा देख लेते हैं। सो अ थ्री जज बेंच ऑफ एपेक्स कोर्ट प्रिसाइडेड ओवर बाय चीफ जस्टिस एस ए बोबडे directed the appointing state officials of National Informatics Center to liaison with the respective high courts and formulate a plan for the virtual functioning of the courts. So basically NIC को enroll किया गया है, NIC के through liaisoning होगा high courts के साथ और वहां से virtual video conferencing के through courts जो है वो काम कर पाएंगे। और एक ऐसा system बनाने की बात की गई है जो कि technology friendly हो और इस pandemic के बाद भी वो चलता रहे, ताकि आगे जाके भी जो ई गवर्नेंस है वो जुडिशियल गवर्नेंस का भी पार्ट एंड पार्सल बन पाए, हम टेक्नोलॉजी को उसमें लगातार यूज कर पाए ताकि हमारा जो केसेस का बैकलॉग है वो भी ठीक हो जाए। आगे वाली स्लाइड पे चलते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्देश हैं उनको और उसमें क्या चीजें हैं। सो उसमें दिया गया है दैट द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कैन रिस्ट्रिक्ट एंट्री ऑफ द पर्सन इन द कोर्ट रूम टू अपहोल्ड सोशल डिस्टेंसिंग रूल्स। तो बेसिकली पैंडेमिक के चलते हुए जो सोशल डिस्टेंसिंग के रूल्स हैं वो भी हम ठीक से फॉलो कर पाएंगे। देन द पार्टीज टू द केस विल बी अलाउड टू एंटर अनलेस दे आर सफरिंग फ्रॉम हेल्थ इश्यूज। तो ऑफ कोर्स जो चाहे वो अग्रीव्ड पार्टी है चाहे वो जो भी है, तो उनको तभी अलाउ करेंगे जब तक वो हेल्दी हैं, अगर नहीं हेल्दी हैं तो उनको कोर्ट में आना अलाउ नहीं किया जाएगा, हियरिंग जो है वो उतनी डिले की जा सकती है। ऐसे ही उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के लिए भी निर्देश दिए हैं कि उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए जो भी रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स होंगे उनके द्वारा निर्धारित किए गए रूल्स को फॉलो करना है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट के लिए रूल्स फॉलो करेगा, हाई कोर्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के लिए रूल फॉलो करेगा। देन ऑल कोर्ट्स शुड मेंटेन हेल्पलाइन सर्विसेज टू रिजॉल्व द ग्रीवांसेस ऑफ ऑल दोज अपीयरिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ड्यूरिंग द हियरिंग और इमीडिएटली आफ्टर द हियरिंग। तो ये एक एस्पेक्ट उन्होंने अपने मापदंडों में दिया है। तो ई जुडिशरी के बाद या ई कोर्ट्स के बाद जो नेक्स्ट स्लाइड है उसको देख लेते हैं, ई ग्राम स्वराज। आपने देखा कि 24 अप्रैल को जो पंचायती राज डे था, कल हमने इसके बारे में बात की थी, तो मोदी जी ने एक नया एस्पेक्ट लॉन्च किया है फॉर ई गवर्नेंस इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, दिस इज ई ग्राम स्वराज। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा एक पोर्टल ऑनलाइन चलाया गया है। इस पोर्टल के अंदर बेसिकली कंसर्न है ट्रांसपेरेंसी लाने का, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग को बढ़ावा देने का, प्रोग्रेस रिपोर्टिंग और वर्क बेस्ड अकाउंटिंग को निर्धारित समय पे वहां पे शोकेस करने का। तो ये ई ग्राम स्वराज का बेसिक एस्पेक्ट है। ये भी अब थर्ड ईयर ऑफ गवर्नेंस में ई गवर्नेंस लाने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद जो पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी है उस पे ई गवर्नेंस कैसे इंपैक्ट करता है ये भी देख लेते हैं। सो बेसिकली जो COVID-19 के चलते अब हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि जितने भी लोग हैं उनको जोड़ा जाए गवर्नमेंट के साथ, और जो G2C गवर्नमेंट टू सिटीजन जिसको हम कहते हैं, वो पार्टिसिपेशन बहुत अच्छे से बिल्ड की जा सकती है। आपने आज का अगर मोदी जी का ऑल इंडिया रेडियो पे या कहीं पे भी जो मन की बात का जो कार्यक्रम चला था वो अगर सुना होगा, तो उसमें भी उन्होंने कहा कि हमने covidwarriors.gov.in करके एक पोर्टल लॉन्च किया है, और इस पोर्टल के अंदर बेसिकली अब तक करीब 1,30,00,000 लोग जुड़ चुके हैं, और ये लोग वो हैं जो फ्रंटलाइन सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, और NGOs इसके अंदर हैं, और पुलिस के लोग भी इसके अंदर हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी इनके अंदर हैं, हेल्थ सर्विसेज से भी लोग इसमें जुड़ चुके हैं। तो अलग अलग लेवल पे जो सिटीजन है वो गवर्नमेंट के साथ जुड़ रहा है, और एक ओवरऑल एक पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी जो है वो चल रही है। सो ए पार्टनरशिप कैन बी मेड विद द स्टेट राइट नाउ वेयर इन द पीपल विल लेजिटिमाइज द पावर ऑफ द स्टेट एंड इन टर्न द स्टेट विल एम्पावर द पीपल। सो दिस काइंड ऑफ अ म्यूचुअल मैकेनिज्म कैन बी मेड ऑपरेशनल by utilizing the opportunity that is presented to us today in this COVID-19 situation. Such a mechanism will also strengthen things like social audit, jinki aaj tak sirf baat hi hoti aayi hai aur wo sirf panchayati raj ke level pe hum ek mechanism padha karte the. To wo jo social audit hai wo aur zyada badhega. Jo MyGov jaise platforms pehle se ban rakhe hain government unke andar bhi improvements la rahi hai citizens ki suggestions ko lete hue. To ek tarah se participative democracy
में ट्रांजिशन का जो फेज है वो ई गवर्नेंस के थ्रू लाया जा रहा है, बजाय कि हम जिस रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के अंदर पहले से फंसे हुए थे, जहां पे सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स का नाम चलता था, वहां से ट्रांजिशन होके ई गवर्नेंस हमें पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी तक लेके जा सकती है। तो ये आपके मेन आंसर राइटिंग के लिए पॉइंट्स जो है वो बहुत अच्छे रहेंगे। एक पॉइंट इसमें आप पीपीपी से 4P मॉडल की जो बात होती है वो भी जोड़ सकते हैं, कि आमतौर पे हम पहले पढ़ा करते थे कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, तो इसमें अब एक और पी अगर जोड़ दिया जाए तो वो हो सकता है पब्लिक प्राइवेट पीपल्स पार्टनरशिप। तो दैट कैन क्रिएट अ पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी, जहां पे ग्राउंड लेवल पे जो गवर्नेंस है वो लोगों के साथ मिलके चलाया जाए। ठीक, सो इन सब पॉसिबिलिटीज को देखते हुए अब आगे चल के समझते हैं कि इश्यूज रिलेटेड टू ई गवर्नेंस क्या है। मैं एक बार फिर से याद करा दूं कि ये जो प्रेजेंटेशन है आपकी डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक अवेलेबल है, वहीं से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। सो इश्यूज इसमें तीन तरह के भारत के लिए हैं। पहला है इकोनॉमिक, दूसरा सोशल और तीसरा टेक्निकल। ध्यान रखिए इंडिया को लेके ये इश्यूज ज्यादा हैं रादर देन बाकी डेवलप्ड कंट्रीज में, उधर शायद ये इश्यूज उतने ना हो। अब इकोनॉमिक लेवल पे जो इश्यूज आते हैं उसमें है कॉस्ट, रीयूजेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी और पोर्टेबिलिटी। अब आप ध्यान रखिए कि जितनी भी ई गवर्नेंस के लिए जो हार्डवेयर हमें रिक्वायर्ड है, बहुत सारा हार्डवेयर हम आज भी इंपोर्ट करते हैं, बहुत सारे सिस्टम्स जो हैं वो आज भी इंपोर्टेड ही इंडिया में लाए जाते हैं और उनको ई गवर्नेंस के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, चाहे वो ड्रोन्स हैं, चाहे वो कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, चाहे वो सर्वर्स हैं। जो उनकी लोकलाइजेशन है या लोकल मैन्युफैक्चरिंग है वो अभी भी इस लेवल पे नहीं आई, तो इस वजह से जो इकोनॉमिक कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है और हमारी डिपेंडेबिलिटी बनती है, और हम हमेशा जो ओवरऑल इम्पोर्ट डिपेंडेंस है उसमें इसमें फंसे रहते हैं। तो ये एक बड़ा कारण है जिस वजह से ई गवर्नेंस हैम्पर होता है इंडिया के अंदर। दूसरा जो इश्यू है वो सोशल है। तो सोशल लेवल पे एक्सेसिबिलिटी, यूजेबिलिटी, यूज ऑफ लोकल लैंग्वेज एंड अवेयरनेस ऑफ ई गवर्नेंस, आप कह लीजिए ओवरऑल कुल मिला के डिजिटल डिवाइड, तो ये सोशल लेवल पे एक मेजर इश्यू है जो ई गवर्नेंस के आड़े आता है, तो हम उसको ठीक से चला नहीं पाते। तीसरा जो है वो है टेक्निकल इश्यू है, जिसमें इंटरऑपरेबिलिटी, सिक्योरिटी, प्राइवेसी एंड ऑथेंटिकेशन, ये टेक्निकल इश्यूज हैं जिसमें इंडिया बहुत अच्छे से काम कर सकता है, बिकॉज हमारी जो सॉफ्टवेयर को लेके जो ऑगमेंटेशन है वो बहुत अच्छी है, हम सॉफ्टवेयर सर्विसेज एक्सपोर्ट भी करते हैं और इसमें जो इंडिया की इनोवेटिव स्ट्रेंथ है वो बहुत अच्छे से यूटिलाइज भी होती है। तो टेक्निकल कारणों से तो हम आज भी बहुत अच्छे से सक्षम है कि हम ओवर अ फ्यूचर डील कर पाएंगे, और ये कारण तो डेवलप्ड कंट्रीज के लिए भी हैं, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए भी हैं। लेकिन जो इकोनॉमिक और सोशल हमारे लिए चैलेंजेस हैं ई गवर्नेंस के लिए, उनको थोड़ा सा डील करना अभी इंडिया के लिए मुश्किल हो रहा है। तो आगे चल के हम उम्मीद करते हैं कि जो प्रेजेंट सिचुएशन है जो एक अपॉर्चुनिटी भी लेके आ रहा है, तो वो डेफिनेटली इस डायरेक्शन में हमें पुश करेगा। आज तक इंडिया में दो तीन चीजें हैं जो बड़ी इग्नोर्ड रही हैं। एक है हेल्थ केयर, जिसमें हम अगर देखें तो 1.2% ऑफ जीडीपी ही हमारा एक्सपेंडिचर आया करता था, और दूसरा ये है ई गवर्नेंस, जिसमें 1.2%, तो क्या आप सोचिए कि 0.1% के आसपास ही हम इसमें खर्चा किया करते थे। मतलब ये एक शोकेस के तौर पे ज्यादा यूज होता था रादर देन की रियल टाइम गवर्नेंस मॉड्यूल। ठीक, चलिए। अब ओवरऑल इस सारे ई गवर्नेंस के मुद्दे का जो इवॉल्विंग एस्पेक्ट है इंडिया के अंदर, उसका निष्कर्ष क्या निकलता है? सो बेसिकली द डिसरप्शन कॉज्ड बाय पैंडेमिक हैज प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी फॉर पब्लिक इंस्टीट्यूशंस टू लेवरेज द टेक्नोलॉजिकल एबिलिटी एंड स्टेप्स अप टू फुलफिल द कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी। दिस विल रिक्वायर सेटिंग अप ऑफ द प्रिंसिपल्स फॉर इंश्योरिंग पार्टिसिपेशन, सिक्योरिटी एंड रोबस्ट टेक्नोलॉजी। In order to bring in innovation and new paradigms in administration of justice, there is a need to focus on six C's of IT, that is information technology, that is computer density, communication, connectivity, cyber laws, cost, and above all, common sense, to emerge as an effective and well-governed country in the 21st century. So basically, हमें ये सारी चीजें साथ में लेके चलनी है जब हमें e-governance को बढ़ावा देना है इंडिया के अंदर। अब ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर हम ई गवर्नेंस से और ज्यादा फायदा ले सकते हैं, तो इंडिया को इसको लेके डेफिनेटली काम करना चाहिए। सो विद दिस वी कम टू रैप ऑफ टुडे सेशन। थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन, होप यू लाइक दिस वीडियो।
Make sure you share and subscribe the video with your friends and use it for your mains answer writing. अगर आप इस पे कोई क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हैं तो वो क्वेश्चन भी आपके लिए है. सो आप क्वेश्चन लिखिए. हाउ डज ई गवर्नेंस हेल्प इंडिया इन बिकमिंग एन एम्पावर्ड स्टेट एट द ग्रास रूट लेवल. सो इसका अगर आप आंसर लिख के मुझे सेंड करना चाहते हैं तो वो मेरा ईमेल आईडी है abhishek@abhimanyu.com. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन. दिस इज मी अभिषेक शर्मा साइनिंग ऑफ.